जिस शख्स की आंखों पर आप कैमरे का फोकस देख रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं है। ये प्रवीण तोगड़िया हैं, जिनका नाम ही काफी है उनकी पहचान के लिए। तोगड़िया के जानने वालों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शख्स अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता हो उसे कभी इस तरह रोते हुए देखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगलने वाले तोगड़िया के निशाने पर आज ना तो अल्पसंख्यक थे और ना ही कांग्रेस, बल्कि वो रोते रोते अपना दर्द बयां कर रहे थे और इशारों ही इशारों में अपनी ही केंद्र सरकार पर अपने एनकाउंटर की साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे। तोगड़िया बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, सर्जन हैं और खुद का अस्पताल चलाते हैं। 1956 में सौराष्ट्र के किसान परिवार में जन्मे तोगड़िया पटेल समुदाय से आते हैं। तोगड़िया जब 10 साल के थे तभी आरएसएस में शामिल हो गए थे। पढ़ाई में अव्वल तोगड़िया ने एमबीबीएस फिर एमएस की पढ़ाई की तो संघ में हिंदुत्व का पाठ पढ़ा। महज 16 साल की उम्र में ही वो संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए थे। जब तोगड़िया 27 साल के थे तब उन्हें संघ के ही अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दी गई। भारत और विदेशों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्तर पर हिंदुओं के लिए काम करने वाले वीएचपी के करीब 20 लाख सदस्य हैं। प्रवीण तोगड़िया को कट्टर हिंदूवादी नेता माना जाता है। वे अक्सर अपने भड़काव बयानों के लिए खबरों में रहते हैं। एक वक्त पर गुजरात में तोगड़िया की तूती बोलती थी, लेकिन 2002 में जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उनके रुतबे में कमी आने लगी। हालांकि तोगड़िया पिछले काफी वक्त से मोदी सरकार को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वो रुतबा नहीं दिखता जो किसी वक्त में हुआ करता था। और शायद यही वजह है कि कभी आग उगल कर अपनी बात कहने वाले तोगड़िया आज रोते हुए अपनी बात बता रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट। 12 बजे